हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर उत्तराखंड से आई। चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले के जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। पानी तेज गति से आगे बढ़ने लगा। आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौके पर राहत बचाव के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरजी की कई टीमें पहुंची हैं। ग्लेशियर फटने से श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनास्थल पर पहुंच स्थिति की जानकारी ली है। पांच तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, इन पांचों तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्लेशियर के फटने के बाद कुदरत का कहर किस कदर बरपा, किस तौर बरपा, नदी ने कैसे विकराल रूप ले लिया और अपनी धारा प्रवाह को तेज कर दिया। इस तीव्र गति के साथ ये नदी आगे बढ़ी कि न जाने कईयों को अपनी चपेट में लिया। 100 लोग तो लापता है, पता ही नहीं है कहां है, लेकिन रेस्क्यू जारी है। 10 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम को भी आप देख रहे हैं जो लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहां पर जो कर्मचारी थे वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। तो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसे बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो जो एवलॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत।